जोर से बोलिए। कलयुग अंत में बनता है बैगर, सतयुग आदि में बनता है प्रिंस है। हाँ, ज्ञान के आधार पर तो बताया। 5 वर्षीय योजना भूल गए, वो दुनियावी में जो गवर्नमेंट है वो तो बार बार पंचवर्षीय योजना बनाती है, लेकिन बाप तो एक ही बार आकर के पंचवर्षीय योजना बनाते। 76 में घोषणा की थी, पुरानी दुनिया खलास होगी और नई दुनिया आने वाली है। 77 संपूर्णता वर्ष मनाया, उसके बाद 5 वर्ष ऐड किए, जो फुल बैगर था वो 5 वर्ष में फुल प्रिंस बन गया। कोई से भीख मांगने की दरकार नहीं, जिसको लेना हो दर पर आकर के ले। दर कहते हैं ना, पहले दरवाजे भटकना पड़ता था। प्रिंस एक के अधीन होता है या बैगर की तरह अनेकों के अधीन होता है? एक के अधीन होता है। एक क्यों बाबा, दूसरा न कोई। मुरली में सतयुग आदि की घोषणा कब की गई है? मुरली के अंदर ब्रह्मा के महावाक्यों में सतयुग आदि की घोषणा की गई या नहीं की गई है? हाँ, 66 में घोषणा की गई। कब के लिए? 76 के लिए की गई। तो 76 में जो घोषणा की गई वो कोई झूठी घोषणा नहीं थी, पक्की बैगर टू प्रिंस बनने की घोषणा थी। फिर है नंबर वार बैगर टू प्रिंस बनने वाले। क्यों रविंद्र भाई, और टाइटलधारी जो जगदम्बा है वो बाद में क्यों आई? आपको कैसे मालूम कि उन्होंने जो रहस्य की बात सुनी वो साथ साथ नहीं सुनी है? रहस्य की बात जिस समय कान में पड़ी और निश्चय हुआ कि हम सतयुग में प्रिंस और प्रिंसेस बनने वाले हैं, उसी समय उनकी शूटिंग हो गई। बल सत्संग में पहले आ गए हो, लेकिन बुद्धि में बात कब बैठी, उसका भी तो कोई टाइम होगा। तो टाइम पर शूटिंग हो गई। पहले पहले ज्ञान की बात किसकी बुद्धि में बैठती है? ब्रह्मा सरस्वती की बुद्धि में बैठती है या कोई और आत्माएं हैं जो ब्रह्मा सरस्वती से पहले भी ज्ञान के सार को समझ लेती हैं? प्रजापिता और
और प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली जगदम्बा। बाद में ब्रह्मा सरस्वती को भी बताया जाता है। होने की क्या जरूरत है, उनके साथ तो यशोदा थी। फिर यशोदा ने क्या समझ लिया क्या? यशोदा तो बाबा की पत्नी साथ ही साथ थी। साथ होने से क्या होता है, बुद्धि में बैठने की बात है। और पावन करने वाला सुखी है, पालना करने वाला सुखी है। ये कौन से कृष्ण की बात है? संगम युगी कृष्ण की बात है या सतयुग के कृष्ण की बात है? हाँ, संगम युगी कृष्ण की बात है कि संगमयुगी कृष्ण को जो जन्म देता है वो अभी भी रावण की जेल में है। जन्म देना माने प्रत्यक्ष करना। सन 87-88-89 में विदेशों में जाकर के जिन्होंने प्रत्यक्षता की, प्रत्यक्षता करने के निमित्त बने, वो अभी भी विकारों की जेल में। भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। हैं? हाँ जी, संगम युगी कृष्ण को जन्म देने वाले। जन्म देना माने प्रत्यक्ष करना। और नारायण का पाठ बनने के लिए कोई ज्ञानी नहीं है। श्याम बनने से गिलगानी नहीं होती? क्यों सुना ऐसा? सच्ची बात सुनो, श्याम होता है तो गालियाँ भी देते हैं, सुंदर होता है तो गालियाँ खाने की दरकार ही नहीं। देवताओं की ग्लानी नहीं होती है। जो ब्राह्मण होते हैं श्रीमत पर जिस समय पूरा नहीं चलते हैं तब ही उनकी ग्लानी होती है। देवताएं तो पक्का पक्का श्रीमत पर चलने वाले हैं, 24 घंटे उनको आत्मिक स्मृति में रहते हैं। उनको दुख सहन करने की बात कहाँ से आ जाएगी? लिखा है हमने तुम्हें घर संदेश करने घट राम 21 विषय बोला गया बाबा। क्या कहा है इन्होंने? जो लिखा है सर्वव्यापी वाली बात लिखी है। लिखा हाँ, सब में भगवान व्यापक है। शास्त्र में ऐसा लिखा क्यों बाबा? शास्त्र में इसलिए लिखा है कि शास्त्र वाले लिखने वाले नहीं जानते हैं कि भगवान जिस समय सृष्टि पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की बुद्धि में वो ही रमण करता है। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान सब में व्यापक है, उसकी याद सब में व्यापक हो जाती है। और पुरुषोत्तम संगम युग का आदि में हाँ। वो धर्म को सुपर्णा माता से इच्छा नहीं करी। क्या कह रहे?
पहले संगम जी में हाँ भरणी रूप की माता कुंडा बहुत थे बहुत थे अभी नहीं है नहीं। अभी धरणी रूपी कन्या माता नहीं है नहीं। अरे पहले तो 400 ही थी हाँ संगम जी का आदि में धरणी रूपी कन्या माता बहुत थी लेकिन पुरुषोत्तम संगम जी का आदि में कितना नहीं था अभी तक आदि पुरुषोत्तम संगम जी का आदि में आदि में तो सिर्फ सामान्य संगम युग था और अभी तो पुरुषों में उत्तम बनने वाले 16,000 प्रत्यक्ष होने हैं तो अभी संख्या ज्यादा होती जाएगी या पहले संख्या ज्यादा होनी चाहिए अभी संख्या ज्यादा होती जाएगी और हाँ जी है कौन सी भक्ति सूक्ष्म भक्ति तो बी के वाले कर रहे हैं ना हाँ और बी के वाले से भी ज्यादा सूक्ष्म भक्ति पीबी के वाले कर रहे हैं जो बाप को नहीं जानते पूरा पूरा नहीं जानते तो भक्ति के कुछ न कुछ आडंबर करते ही रहते हैं सही बात है भक्ति के संस्कार अगर रह जावेंगे अंत समय में तो शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा अभी भी छोड़ रहे हैं कोई भक्ति का संस्कार ऐसा पक्का हो जाता है 100% के स्टेज को पहुंच जाता है तो शरीर छोड़ना पड़ता है क्यों पता क्यों नहीं चलता जो भी शरीर छोड़ने वाला है उसके जीवन चरित्र की गहराई को देखो उसमें जरूर अनेक बातें ऐसी होंगी जो भक्ति से उनका जीवन अटा हुआ पड़ा है वो बातें छोड़ ही नहीं पाते मन मुख से ज्ञान बोलते हैं और एक बात तो भक्ति की बहुतों में देखी जाती है ज्ञानी का कथनी और करनी एक होगी या अलग अलग होगी और भक्त कथनी अलग होगी और करनी अलग होगी उस हिसाब से एडवांस में कितने भक्त हैं परसेंटेज ज्यादा है या कम है ज्यादा है शकुनी ज्यादा दिखावा करने वाला उससे दिखावा करने वाला है या नहीं है जो बातें करता है पीछे से क्या बातें करता है और सामने आकर के कैसी मक्खनबाजी करता है वो देखा नहीं है क्रिश्चियंस क्या करते हैं क्रिश्चियंस का धंधा क्या है बात
से बड़े शो एंड शराबे की बातें करेंगे और पीछे से एटम बम लगा देंगे। उनकी खोपड़ी ऐसी है। करेक्टर बाबा बताते हैं, कोई का पार्ट कागज पर लिखकर या बोर्ड पर लिखकर बाबा बता देंगे क्या कि हर एक अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से अपने पार्ट को स्वयं ही डिक्लेयर करेगा, बाबा नहीं बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, जगदम्बा किंग फ्लावर है, है? किंग फ्लावर नहीं है, फ्लावर के ऊपर आसन दिखाया जाता है। किंग ऑफ फ्लावर नहीं, किंग फ्लावर, वो तो गुलाब का फूल भी नहीं है, गुलाब के फूल को कहते हैं क्वीन फ्लावर। गुलाब का फूल उसे कहते हैं जिसमें खुशबू निकलती है। जगदम्बा का पार तो महाकाली का बनता है तो दुर्गंध निकलती है। और हाथ उठाओ, गणेश का मुंह हाथी का जैसे क्यों दिखाई देता है? हाथी का भगवान का पार्ट साकार में शंकर जी का दिखाया जाता है। भगवान के दो प्रकार के बच्चे हुए, एक बच्चा अनेकों मुखों वाला और एक बच्चा एक मुख वाला। जो अनेकों मुख वाला है उसका नाम पड़ा कार्तिकेय। क्या कर, टिक टिक बहुत करता है भक्ति मार्ग की बातों की, भगवान बाप को साबित नहीं कर पाता बल्कि और ही युद्ध करता है। किससे? बाप से। और गणेश जब तक बच्चा बुद्धि है, माँ का आदेश पालन करके युद्ध करता है क्योंकि बाप को पहचानता नहीं। जब बड़ा हो जाता है तो इतना रिगार्ड रहता है कि जब सारी सृष्टि की परिक्रमा की बात आती है तो अपने माँ बाप का ही चक्कर लगा के सृष्टि की परिक्रमा साबित कर देता है। तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान दोनों में कौन हुआ? गणेश। इसलिए माथा हाथी का दिखाया है। जानवरों में हाथी ऐसा जानवर है जिसका माथा बहुत चौड़ा होता है। ज्ञानियों में उसकी गिनती की जाती है, देवताओं में अग्रगण्य माना जाता है क्योंकि जिसमें ज्यादा ज्ञान वो बड़ा माना जाता है। और कान कितने बड़े बड़े, सूप जैसे बड़े बड़े कान, माने ज्ञान और सुनने में और सुनाने में गणेश बहुत ही होशियार है, लेकिन मुख में देवान बहुत है। सतयुग त्रेता का देवता नहीं है, इसलिए सीढ़ी के चित्र में कहां पूजा दिखाई गई है?
द्वापर के आदि में सतोप्रधान पूजा में है या कलयुग के आदि में तमोप्रधान पूजा में है? हैं? कलयुग के आदि में जब तमोप्रधान युग शुरू होता है तब उसकी पूजा दिखाई गई। काम विकार नहीं है लेकिन देहवान बहुत है, हाथी की तरह आंखें मदमाती हुई पड़ी है। और है क्या चले गए? अज्ञान क्या छिहत्तर में पीपल के पत्ते पर थोड़े ही है, छिहत्तर की बात ही नहीं है। पीपल का पत्ता माने जगदम्बा, और जगदम्बा अस्तित्व में कब आती है? 83 के बाद। पीपल का पत्ता है, जैसे थोड़ा सा हवा का झोंका चलता है और पीपल का पत्ता हिलता है, ऐसे जगदम्बा भी पीपल के पत्ते की तरह थोड़ा भी माया का झोंका आता है तो हिलती है। लेकिन बाप का विरुद्ध है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो ये सन 87 की बात है कि पीपल के पत्ते पर कृष्ण गर्भ महल में आया। जब 100 साल का हो जाता है ब्रह्मा की आय 100 साल पूरी हुई और ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हो जाता है। मृत्युलोक खलास होगा तो कहाँ पहुँचेगा? अमर लोक में। इसलिए गर्भ महल में बड़े आराम से लेटा हुआ है, आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए। राम बाप तो बोला, राम बाप क्या पत्ते में? अरे शरीर तो एक ही है, ऐसा तो बोला। मनन चिंतन मंथन करने वाली आत्मा कौन है और बच्चा बुद्धि कौन है? राम बाप बस अरे एक है बच्चा, वो ही यमुना नदी में दिखा दिया गया है कि टोकरी में रखा हुआ है। टोकरी कौन सी है? राम वाली आत्मा ही बुद्ध रूपी टोकरी है। राम वाली आत्मा ही वसुदेव है जो लेकर जा रही है। उसमें पड़ा हुआ बच्चा कृष्ण है। एक ही पर्सनालिटी है, उसमें दो आत्माएं काम कर रही है। तो ब्रह्मा की सोल वो तो आत्मिक स्मृति में रहने का प्रयास करती है, क्योंकि जब राम वाली आत्मा में प्रवेश है तो संघ का रंग लगता है। राम वाली आत्मा बीज है ना, है? जो बीज है उसे बीज रूप स्टेज में टिकने में कोई प्रयास करना पड़ता है क्या? नहीं। तो राम वाली आत्मा तो सहज ही बीज रूप स्टेज वाली है, लेकिन कृष्ण की आत्मा जब उसमें प्रवेश करती है तो संघ का रंग लग जाता है। वो भी आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए दिखाई गई है। सन 36-37 में सुप्रीम सोल का प्रवेश हुआ था। ये कहें या 46-47 में सुप्रीम सोल का प्रवेश हुआ था, ये कहें कब प्रवेश हुआ?
जब मुरली सुनाते हैं तो पता चलता है कि तो बाप भगवान है। तो मुरली 36 से सुनाना शुरू किया या 47 से सुनाना शुरू किया? 47 से सुनाना शुरू किया। माना कि गर्भ में पहले बच्चा पिंड तैयार होता है, बाद में उस पिंड में सोल प्रवेश करती है, और उसके भी बाद में संक्षेत्र में फिर प्रत्यक्षता हुई दिखाई गई। और किसको पता चल गया? अरे किसको पता चल गया है? राम वाली आत्मा को पता चल गया, फिर छोड़ के क्यों चला गया? शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था इसलिए टूट पड़े। अभी तो ज्ञान का पक्का फाउंडेशन है, अभी टूट पड़ने का सवाल नहीं है। कृष्ण वाली आत्मा तो मौजूद ही नहीं होती है। जब साक्षात्कार का रहस्य सुनाया गया उस समय कृष्ण और ओम राधे मौजूद ही नहीं होती है। हाँ जी, गीता माताएं भी दो हैं, एक झूठी गीता भक्ति मार्ग वाली सुनने और सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली, और एक है सच्ची गीता। सुनने सुनाने में उतना विश्वास नहीं है, प्रैक्टिकल जीवन में करने और कराने में ज्यादा विश्वासी है, इसलिए आज मैं मुख से बोलती नहीं है। वो था ही नहीं मौजूद उस समय, कृष्ण बच्चा उस समय मौजूद था ही नहीं है। हाँ, जो प्रैक्टिकल एक्ट करने वाली गीता माता है उसका असर ब्रह्मा के ऊपर ज्यादा पड़ेगा, किंतु वो उनकी बड़ी बहन थी, उसके प्रति ज्यादा रिगार्ड होगा। या पतित मनुष्य अंतिम जन्म में सबसे जास्ती जो पतित दिखाया गया है, और जो कलकत्ते के मनुष्यों में शामिल कर दिया गया, जो दो दो पत्नियां रखते हैं, ज्यादा ज्यादा पत्नियां रखते हैं, ब्रह्मा बाबा के चरित्र में और प्रजापिता के चरित्र में अंतिम जन्म में अंतर होना चाहिए या नहीं है? होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड अपनी बड़ी बहन के प्रति ज्यादा था या दूसरी माता के प्रति था? तो बड़ी बहन से ही उन्होंने सुना बाद में। उन्होंने बोला लेकिन सुनने का बाद दादा ने बोला वही जैसे बोला, बिल्कुल बाद में बोला, बहुत समय के बाद जब मम्मा ज्ञान में आ गई। मम्मा बुद्धि की देवी है, ब्रह्मा बाबा को इतनी बुद्धि नहीं है जो फैसला कर सके, मम्मा ही उनकी शक्ति है। ओम राधे से सहयोग मिला तो ब्रह्मा बाबा को दिन दूनी रात चौगनी उमंग उत्साह बढ़ गया। लोगों को कोई कंस्ट्रक्शन नहीं आ जाए, शुभ काम के अंदर में परमात्मा का भविष्य का
कंसेप्शन उन लोगों को नहीं आया, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में ये आया अनुभव के आधार पर। इस दुनिया में हमने अपने जीवन में अनुभव के आधार पर जिस व्यक्ति को सबसे सच्चा देखा वो मेरा भागीदार है। बहनोई है जो छोटी सी दुकान सारी जिंदगी चलाता रहा लेकिन कभी झूठे हीरे लोगों को नहीं दिए, और रत्नों का ज्यादा अच्छा व्यापारी था, पारखी था। उसको मैनेजर के रूप में अपनी दुकान में नौकर रख लिया। विद्वान भी था ब्रह्मा बाबा के मुकाबले। ये श्रद्धा विश्वास बाबा को जब पक्का हो गया तब गुरुओं के पास और वाराणसी के पंडितों के पास घूमते हुए आखिरी इन कलकत्ते की गद्दी पर आए। कौन था? अब कौन सा बंगाली था, लेकिन था पक्का बंगाली। ये बंगाल वासियों का सौभाग्य है, क्योंकि जो यादगार बनी एंट्री है वो सिंध हैदराबाद में नहीं है। कहाँ है? कलकत्ते में ही है। वो बीज वहीं बोया जाता है। कहीं भी हुआ हो लेकिन रहने वाला कहाँ का था? वो लगता है माने अनुमान, अनुमान से होता है नुकसान। ये अनुमान क्यों लगाना? कोई प्रूफ है? मुरली में कोई पक्का प्रूफ पाया? अच्छा ज्ञाना में तो पत्रिका में कोई बहन या दीदी दादी दादाओं ने कहीं लिखा? कहीं नहीं लिखा। तो हम अपनी तरफ से मनमत क्यों चलाएं? माता तो बाबा, ये क्या बड़ी बात हो गई? माताएं कहाँ की होती हैं? भारतीय परंपरा में तो कन्या पश्चिम की होती है और उसका घर पूरब में चुना जाता है। भले मछली खाने वाला हो तो भी ऊंचा ब्राह्मण माना जाता है, ऊंची पुरी का। ये क्या बड़ी बात हो गई? अभी बोला है ना जो जब मामा घर में आया तब सुनाया। कितने सुनाया? गीता माता ने सुनाया। कौन सी गीता माता ने सुनाया? अरे वो ही गीता माता सुनाने की निमित्त बनेगी जो सतयुग में गर्भ धारण करेगी, वो ही बुद्ध रूपी पेट में धारण करेगी संगम युग के आदि में। नकी जगदम्बा है? अरे सतयुग में जन्म देने वाला निमित्त कौन बनेगा? छोटी माँ। तो संगम के आदि में निमित्त कौन बनेगा सुनाने के लिए? छोटी माँ। हैं? हाँ तो राधा बच्ची भी उस समय मौजूद होनी चाहिए। किस समय? कोई नहीं, छोटी माँ। हाँ जी, राधा बच्ची भी होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। उस समय तीन आत्माएं होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये सुनिए तो बात, उन लोगों को
जिसमें प्रवेश हुआ उसको ही निश्चय नहीं है। वो ही भक्ति मार्ग की गीता के अर्थ बैठ करके सुना रहा था तो दूसरों को कैसे हो जाएगा। यज्ञ के आदमी भक्ति मार्ग की गीता पढ़ करके सुनाते थे ना, अर्थ करके बताते थे ना। भगवान हाथ में क्या पुस्तक लेता है क्या? गीता हाथ में लेकर के उसके अर्थ कर करके सुनाते थे बिल्कुल नहीं। सिर्फ बीज डाला, बीजारोपण किया आदमी। बाप का काम क्या होता है? आदमी बीजारोपण करना। राम वाली आत्मा अधूरी होती है तभी तो यज्ञ छोड़ करके जाती है। अगर संपूर्ण ज्ञान मिल जाए तो छोड़ के क्यों जाए? हाथ कोई और उठा रहा है, बोल कोई और रहा है। एक आदमी पूछ रहा है, थोड़ा रुको। हाथ उठाओ। ज्यादा लेखराज की बहन झूठी गीता है। शक्ति के आदि में कोई विष्णु है? शक्ति आदि है तो शक्ति के आदि में कोई विष्णु स्वरूप है? पहला युगल होना चाहिए या नहीं? जो लक्ष्मी नारायण शक्ति के आदि में पहला युगल है जो आदि में तो अंत में होना चाहिए कि नहीं? वो कौन है? लक्ष्मी नारायण कौन है? छोटी माँ और प्रजापिता। अरे जगदम्बा बाद में बच्ची है, यह जगदम्बा पहले है। जगदम्बा को बच्ची कहा जाता है ना, बच्ची कहा जाता है जगदम्बा। जगत माने जिसमें अमेरिका भी हो, यूरोप भी हो, अफ्रीका भी हो, अरब देश भी हो, वो ही तो जगत है। भारत माता पहले या जगदम्बा पहले? पहले कौन है? नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो पहले कौन होगा? भारत माता। भारत माता से फिर बाद में जगदम्बा बच्ची। तो यज्ञ के आदि में भी दो आत्माएं विष्णु स्वरूप थी। जो मुरली में बोला है विष्णु की नाभि से सन 47 में ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। सुनने सुनाने वाला, समझने समझाने वाला नहीं। सुनने सुनाने का फाउंडेशन भक्ति होती है या ज्ञान होता है? भक्ति है। हाँ जी, कुछ पहले भी नहीं। हाँ जी, विनाश की बात से जब सब निश्चिंत हो जाएंगे वो ही विनाश की घड़ी होगी। वो तो संपूर्ण विनाश होगा। 500-700 करोड़ की सृष्टि का विनाश होगा। जैसे बोल दिया गया सन 76 में विनाश, तो क्या 76 में 700 करोड़ की दुनिया का विनाश होने की बात थी? नहीं, वो तो बुद्धि में आने की बात है। आप मुए मर गई दुनिया। ऐसे ही जो स्थूल रूप में स्थापना होगी
वो एक परिवार से होगी या अनेकों परिवार इकट्ठे हो जाएंगे? एक परिवार इकट्ठा होगा, वो छोटा रूप होगा स्थापना का या बड़ा रूप होगा? जब स्थापना का छोटा रूप होगा तो दुनिया में स्थूल विनाश का भी छोटा रूप होगा या बड़ा रूप हो जाएगा? है छोटा रूप होगा, और सत्यक्ष में एकदम बड़ा रूप हो जाएगा। है तो ऐसा तो हमेशा होता ही चला आया, अभी ऐसे समझ लो कि रिहर्सल हो रहा है, सारा कुछ नहीं हो रहा है। अभी दो चार आदमी अगर मर भी गए तो क्या अंतर पड़ता है इतनी बड़ी दुनिया में? है तो हो रहा ही नहीं। अच्छा, अभी से इतना घबराने लगे? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा। अभी तो सर के ऊपर डंडा नहीं बज रहा है, अपने परिवार वालों के ऊपर डंडा नहीं बज रहा है। दूर दूर की बातें कहीं अखबारों में और टीवी में सुनने को मिल जाती है। बड़ा विनाश होगा, ह्यूज विनाश होगा, तो अपने परिवार वाले भी नहीं बचेंगे, गांव वाले भी नहीं बचेंगे, मोहल्ले वाले भी नहीं बचेंगे। लेकिन अपना परिवार को बाबा ने तो बोला से बताएगा, अगर एक आएगा तो मौसम को उद्धार करेगा। अपने परिवार में पक्का है कौन बच्चा है कौन चच्चा है? वो तो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। जिनको यही पहचान नहीं है कि कौन बच्चा है और कौन चच्चा है, वो ऐसा ना हो चच्चे को गले में लगा के बैठ जाए और धोखा खा जाए। लेकिन आएगा तो साधना भगवान तो बोला कि एक अगर एडवांस में आएगा तो पूरा परिवार आ जाएगा। पूरा परिवार आकर के राजा बन जाएगा या चंडाल प्रजा में भी आएंगे? अभी तो चंडाल प्रजा में आने वाला है। अभी नहीं आने वाले हैं, अभी तो ज्ञान में ही नहीं आए। लास्ट में जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्रजा में आवेंगे। उस समय टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। टू लेट का बोर्ड का मतलब क्या है? कि राजा नहीं बन सकेंगे। किस वर्ग में आ जाएंगे? प्रजा वर्ग में। पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी भी खसूसियत होगी, सारी प्रजा ज्ञानी तू आत्मा ही होगी, भले चांडाल बनने वाला भी क्यों न हो तो भी ज्ञानी तू आत्मा होगी। वो भी तो बात जाएगा ना, मार के मर जाए तो क्या बड़ी बात है? चांडाल का पद पाने वाले धोखेबाज होंगे, दगाबाज होंगे या साफ दिल होंगे? फिर बाबा ने मोहरी ने बोला का साथ देने के लिए तो कैसे देते हैं? याद का चार्ट भेजने के लिए, याद के चार्ट में कम से कम इतना तो अनुभव में आ जाता है कि आज के दिन हमारी सबसे ज्यादा अच्छी याद रही, आज के दिन हमारी मीडियम अवस्था रही, आज के दिन इतनी मेहनत की तो भी अवस्था बिल्कुल खराब रही, फर्स्ट क्लास याद रही, सेकेंड क्लास याद रही, थर्ड क्लास याद रही या फोर्थ क्लास याद रही? ये अनुभव में आता है कि नहीं आता है? बोली को मम्मा ज्ञान में आएगा, बोला ना मम्मा ज्ञान में आएगा तब सुना है। ओम राधे सरस्वती बहुत बाद में ज्ञान में आती है, संगम युगी कृष्ण 18 साल पहले जन्म ले लेता है, उसके 18 साल के बाद राधे कृष्ण का प्रैक्टिकल में जन्म होता है, तो लंबा टाइम लगा ना, न कि तीन मूर्तियों का क्लेरिफिकेशन मिलने के साथ ही साथ राधा कृष्ण का जन्म हो जाता है।
अरे टाइम लगता है, आज में भी ऐसे ही हुआ था, अंत में भी ऐसे ही होगा। जो आता है और क्राइस्ट का पार्ट बजाता है वो ही क्राइस्ट है, जिसमें प्रवेश करता है वो तो पांच तत्वों का चोला है, वो असली क्राइस्ट नहीं है, जिसको जीसस कहा जाता है। है क्राइस्ट का आत्मा कौन है? तो फिर वो ही बात आ गई, बोर्ड पर लिखकर बताओ, कागज पर लिखकर बताओ क्राइस्ट की आत्मा कौन है। अभी देवी देवता सनातन धर्म के तो डिक्लेयर हो नहीं पाए, आप भी डिक्लेयर नहीं हो नहीं पाए, तब तक क्राइस्ट पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए। वो कोई हमारा बाप है जिसको पहले हमें डिक्लेयर कर लेना है? तो अपने अंदर से पूछो कि क्राइस्ट की आत्मा कौन है और मनुष्य सच्ची का बाप कौन है। क्राइस्ट की आत्मा को पहचानने वाला क्राइस्ट का कोई बड़ा बच्चा होगा या कोई छोटा बच्चा होगा? क्राइस्ट को प्रत्यक्ष करने वाला क्राइस्ट का बच्चा होगा निजी या कोई और का बच्चा होगा? क्राइस्ट का जो निजी बच्चा होगा तो वो ही क्राइस्ट को प्रत्यक्ष करेगा, उसकी बुद्धि ज्यादा चलेगी अपने बाप के बारे में। तो बांदेली माताएं कमाई नहीं करती हैं? बांदेली माताओं के लिए तो क्या है, वो सबसे ज्यादा याद करती है, सबसे ज्यादा कमाई याद में होती है या धारणा में होती है या सेवा में होती है या ज्ञान में होती है? याद में होती है। तो सबसे ज्यादा कमाई बांदेली माताएं करती हैं या दूसरे करते हैं? कोई ऐसा हो कमाई करता हो और उसे अपनी कमाई के बारे में मालूम ही नहीं हम क्या कमाई करते हैं, वो बात हो गई। उधर भाई बोल रहे हैं राम भगवान है। माने समझाने वाली आत्मा कौन है? रूहानी बाप माने कौन? जीव। हाँ वो समझा रहे हैं। माने समझने वालों की बुद्धि में ये न बैठ जाए कि जिसमें शिव प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ा रहा है राम और कृष्ण में प्रवेश करता है ना, तो वो समझाने वाले हैं, ये बहुतों की बुद्धि में बैठ जाता है। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे, बेसिक में भी ऐसे हुआ है,
और एडवांस में भी आगे चल के देखना कितने ऐसे निकलते हैं जो राम को ही भगवान समझ के बैठ जाएंगे। अभी भी कहते हैं शिव की सोल अलग से कुछ नहीं होती है, राम की सोल ही ज्ञानी तू आत्मा ज्ञान का सागर बन जाती है, शिव की सोल कोई अलग होती ही नहीं। अभी भी बहुत से ऐसे कहते हैं और अंत में ऐसे ढेर निकल पड़ेंगे जो राम कृष्ण को ही भगवान समझ करके बैठ जाते हैं। देखो बैठे हैं अगर निराकार राम तो निराकार का नाम राम है या शिव है? हैं? तो राम कैसे कह दिया तुमने निराकार को? मुरली में जो सुना उस पर विचार नहीं करना है। मुरली ने यह भी तो कहा है मेरा नाम शिव ही है जो कभी बदलता ही नहीं, शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। कृष्ण के चोले दादा लेखराज के चोले को छोड़ दिया और राम वाली आत्मा के अंतिम चोले में प्रवेश किया तो नाम निराकार राम पड़ता है। बाकी उसका ओरिजिनल नाम क्या है? शिव है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। और कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसकी आत्मा का नाम हो, एक शिव ही ऐसी आत्मा है जिसका नाम शिव है, राम नहीं है। राम नाम तो तब पड़ता है जब वो बिंदी प्रवेश करती है। तो ये बात क्लियर करने के लिए बार बार बोलते हैं, क्या रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं ताकि कोई की बुद्धि में ये न रह जाए कि राम कृष्ण की आत्माएं ही पढ़ाने वाली है। मुरली में ऐसा है ना, निराकार राम प्रकाश राम में प्रवेश करके पढ़ा रहा है। तो ठीक बात तो है, इसमें गलत क्या है? ब्रह्मा बाबा निराकार राम है। और अगर कोई कर्म करते पक्के पक्की याद में रहे तो ये संभव नहीं है, है? कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते भी निराकारी स्टेज में कोई रह के दिखावे ये संभव है या नहीं है? संभव है, लेकिन वो एक के लिए यादगार है, दूसरे किसी का यादगार नहीं है। इसलिए असंभव बात कुछ भी नहीं है, संगम युग है ही असंभव को संभव करने का युग। और सबका ही नया शरीर होगा, है? नया माने सतो प्रधान, पुराना माना तमो प्रधान। बर्फ में से जो भी शरीर निकलेगा वो सतो प्रधान निकलेगा या तमो प्रधान निकलेगा? सतो प्रधान निकलेगा। और प्रवृत्ति मार्ग में रह करके अच्छी याद हो सकती है या निवृत्ति मार्ग में रहकर अच्छी याद हो सकती है?
तो रुद्रमाला वाले निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? याद पक्की नहीं है अभी, पक्की याद तब होगी जब युगल जोड़े तैयार हो जाए। विजय माला के जो झुक जाएंगे, जो अपने को समाए देंगे, वो सूर्यवंशी कहे जाएंगे या चंद्रवंशी कहे जाएंगे? तो सूर्यवंशी हो गए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ जी, रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड किए जावेंगे। और जो ऊपर से आने वाला क्राइस्ट है वो बैगर रूप में है, तो जिसमें प्रवेश करता होगा वो भी बैगर होगा या अपनी कमाई करने वाला होगा? है कोई कोई बैगर भी ऐसे होते हैं कि मांग मांग करके लखपति बन जाते हैं, ऐसे आधारमूर्त भी कोई है जो दूसरों की संपत्ति इकट्ठा कर करके करोड़पति अरबपति बन जाता है। ये वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट क्या है, है? तो मांगना भी नहीं कहेंगे। एक होता है मांगना और एक होता है झटक लेना चालाकी से। संस्कार तो आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे क्रिश्चियंस के संस्कार जो आधार मूर्तों में आ जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? 63 जन्म के संग के रंग से आते हैं। जिनमें 63 जन्मों के संग के रंग के संस्कार भर गए हो वो ज्ञान में आने के बाद जल्दी सुधरेंगे या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। और सुधरेंगे भी तो पूरे नहीं सुधरेंगे, अधूरे ही सुधरेंगे। अब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का मतलब पूछ रहे हैं। मुरली सुना करो ध्यान से रोज, यहाँ आकर के मत पूछा करो, सीधा ही सीधा चिल्लाते रहो बैठ के। सारी रामायण खत्म हो गई, सीता का बाप कौन था? आगे चल के क्यों निकाल दो, अभी से निकाल दो ना। योग अक्षर क्यों रखे हैं? ये तो हठयोगियों का अक्षर है, हठयोगियों का शब्द हम क्यों यूज करें? हमारी तो याद है,
याद है प्रैक्टिकल बात, आगे चल के चेंज तब हो जाएगा जब हम कंफर्म बुद्धि हो जाए। अभी हमारी बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है कि निराकार साकार में प्रैक्टिकल में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है। बैठ गया अनिश्चय तो नहीं आता, नहीं नहीं है। हम लोग तो कहने चाहिए याद में भी राज समाया हुआ है। कौन सी याद? जिसमें सर्व संबंधों की भाषणा आती हो। निराकार से क्या संबंध होगा? निराकार से कोई संबंध थोड़े ही होता है। संबंध समान बंधन को कहा जाता है। एक है साकारी और एक है बिंदी, समान बंधन का हुआ। एक हो बिल्कुल अफ्रीकन और दूसरा हो अरबियन, लंबा चौड़ा मट्टा कट्टा कट्टा मोटा ताजा, और दोनों की शादी हो जाए तो चलेगा? है ये तो जोड़ी ही नहीं बनी। संपूर्ण बंधन समान बंधन तभी हो सकता है जब समानता हो। तभी ही अनुभूति होती है। हाँ जी, मुरली का पॉइंट तो अभी भी बोल रहा है कि योग शब्द नहीं बोलना चाहिए, याद बोलना चाहिए।